हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम नर्वस सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसल गैंग्लिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसल गैंग्लिया की इंजरी की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसंस डिसीज़। ओके, उसके बारे में भी हम डिटेल जानकारी करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ होता है और उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं और इसका मेन फंक्शन यानी कि वो काम क्या करता है दिमाग में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। खाली शुरू में इतना बोल दूंगा कि बेसल गैंग्लिया का मेन फंक्शन यानी उसका मेन काम क्या है। उसका मेन काम है वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का। जैसे कि अब मैं आपके सामने हाथ उठा रहा हूँ, फिर हाथ नीचे रख रहा हूँ, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया। सिर्फ बेसल गैंग्लिया अकेले नहीं करता है, इसके साथ मोटर कॉर्टेक्स या सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी होता है और सेरेबलम इन एसोसिएशन विद सेरेबलम भी ये सब होता है। कैसे अभी देखते हैं हम आज के लेक्चर में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर जो यूट्यूब पे का हमारा जो चैनल है। और हम इसके नोट्स भी पीडीएफ के जरिए हम दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम के लिंक में देखिएगा, वहाँ पर हमने इसी टॉपिक का नोट्स भी दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ भूल गए हैं तो फिर से आप इसको वीडियो को फिर से देख सकते हैं, या नोट्स भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं बेसल गैंग्लिया की। ओके, तो अभी ये बेसल गैंग्लिया आपके ब्रेन में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ रहता है, तो मैं उसको समझाने के लिए एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आपको देखिए, एक मैं लाइन डायग्राम उतार रहा हूँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सॉरी सेरेब्रम का। तो ये समझिए ब्रेन है, फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन, फिर उसके बाद होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, फिर मेडुला से नीचे कंटिन्यूस होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और इसके आइदर साइड यहाँ पे होता है सेरेबलम। तो ये है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ओके, सो इसको मिड लाइन ले लीजिए, ठीक है। ये कोरोनल सेक्शन है, ऐसे ऐसे कट के अगर कट करके देखें तो एक रफ डायग्राम आपको मैंने बताया है। ये है फोर ब्रेन। अब बेसल गैंग्लिया कहाँ पर होता है ब्रेन में, तो फोर ब्रेन के जो बेस साइड पे, इसके लिए इसका नाम दिया गया है बेसल। बेसल यानी कि ब्रेन का जो बेसल, जो बेस का एरिया होता है वहाँ पर लोकेशन होती है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे होती है, देखिए यहाँ पे मिड लाइन है। मिड लाइन में यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल के आतराफ में एक ग्रे मैटर का मास होता है। इस ग्रे मैटर के मास को आप कहते हैं थैलामस। थैलामस, ओके, थैलामस के बारे में भी हम फिर से एक वीडियो अलग से बनाएंगे। आज का टॉपिक थैलामस पर नहीं है, बेसल गैंग्लिया पे है, लेकिन ये बेसल गैंग्लिया थैलामस से क्लोजली एसोसिएटेड है। तो थैलामस होता है थर्ड वेंट्रिकल के अतराफ। इसके लैटरल साइड में यहाँ पर भी एक मास होता है ग्रे मैटर का, इस मास को कहते हैं लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, इस मास को कहते हैं लेंटिकुलर न्यूक्लियस। और इन दोनों के बीच में ये ग्रे मैटर का मास है। शायद आपको ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है पता होगा। जिन्हें नहीं पता ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझा दिए हैं कि ग्रे मैटर किसे कहते हैं, वाइट मैटर किसे कहते हैं। देखिए जैसा सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम के जो आतराफ पे जो ग्रे मैटर है यहाँ पे, इसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था हमारे पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको जो मिस कर चुके हैं प्लीज़ वो जाके फिर से देख सकते हैं। खैर ठीक है, अभी आइए यहाँ पे बेसल गैंग्लिया पे हम आते हैं अभी। तो इसको कहते हैं लेंटिकुलर न्यूक्लियस। ये लेंटिकुलर न्यूक्लियस और थैलामस के बीच में वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर बेसिकली एग्जॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स के। तो ये जो बंडल ऑफ एग्जॉन्स हैं, तो ये एक कैप्सूल की शक्ल में से कहते हैं, इसका नाम है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल, सो इंटरनल कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी अगर इसमें कुछ लीजन या ट्रॉमा हो जाता है तो अपोजिट साइड का तकरीबन जो है पैरालिसिस या हेमिप्लीजिया हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया क्या है, हम आते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं ये
कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन के स्ट्रक्चर पे। तो देखिए बेस ऑफ ब्रेन पे आप देख रहे हैं, बेस ऑफ ब्रेन पे ये क्या है, लेंटिकुलर न्यूक्लियस है, और लेंटिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर और एक एक मास ऑफ ग्रे मैटर होता है जिसे कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके, कॉर्डेट न्यूक्लियस कहते हैं। फिर हियर थैलेमस के नीचे और एक एक ग्रे मैटर होता है जिसे कहते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस भी एक मास ऑफ ग्रे मैटर ही है, वो भी एक न्यूक्लियाई है। जैसे कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज को न्यूक्लियाई कहा जाता है इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और गैंग्लियन कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये है सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो ये देखिए आप बेस ऑफ द ब्रेन पे ये न्यूक्लियाई पाई जाती है, कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिकुलर न्यूक्लियस एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, और एक एक न्यूक्लियस मिड ब्रेन में होता है, यानी ग्रे मैटर का अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन पे सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, फिर यहाँ पर होता है, इसे कहते हैं सब्सटेंशन नाइग्रा। इसे कहते हैं सब्सटेंशन नाइग्रा। आपके क्लेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, मैं जो भी आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है इसे कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, ये मास ऑफ ग्रे मैटर है लेंटिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे ये एक्चुअली सी शेप्ड होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस सी शेप्ड होता है। आपको हमारे पीडीएफ में क्लियर इमेज है, आप देख सकते हैं बाद में, अभी मैं उतना क्लियरली उतार नहीं पाऊंगा, तो बस कोरोनल सेक्शन में यहाँ पे ऐसा लगता है, बट ऐसे सी शेप्ड होता है वो, और इसके एंड पे यानी कि टेल पे इसका हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है, तो टेल पर और एक ग्रे मैटर होता है जिसे एमिग्डलाइड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस है। फिर ये जो है अभी हमने बताया था आपको लेंटिकुलर न्यूक्लियस है, क्या है, लेंटिकुलर न्यूक्लियस है। ये लेंटिकुलर न्यूक्लियस के दो भाग होते हैं, ये जो बाहरी वाला भाग है उसे कहते हैं पुटामेन। क्या कहते हैं इसे, पुटामेन। इसके दो भाग है पुटामेन, और जो अंदरूनी भाग है उसे कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। क्या कहते हैं उसे, ग्लोबस पैलिडस, पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस। तो पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस एक लेंस शेप में नजर आते हैं, तो इसे लेंटिकुलर न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे और एक चौथा न्यूक्लियस था थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे है इस वजह से कहते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये देखिए ये सभी फोर ब्रेन में है, डेट्स वाई इसका नाम क्या है, बेसल, बेसल गैंग्लिया कहा जाता है, यानी कि फोर ब्रेन यानी ब्रेन के बेसल पोजीशन पे, इसलिए बेसल गैंग्लिया। गैंग्लिया एक्चुअली नाम मिसनोमर है, उसूलन गैंग्लिया जो है न्यूरोनल सेल बॉडीज अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसे गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, इसे न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसल टेक्निकली अगर हम बात करें तो बेसल न्यूक्लियाई कहना ज्यादा बेहतर है, बट नाम दिया गया है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो बेसल न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मिड ब्रेन में अब तक आपने जो देखे यहाँ पे जो चार न्यूक्लियस हैं, जैसे कॉर्डेट न्यूक्लियस है, पुटामेन है, ग्लोबस पैलिडस है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, ये फोर ब्रेन के पार्ट्स है। फोर ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। तो टील ये जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस जो है टीलेनसेफेलॉन के भाग है, और डायनसेफेलॉन का भाग है सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ओके, फिर जो मिड ब्रेन में जो ये न्यूक्लियस है ये मीसेनसेफेलॉन का भाग है। मिड ब्रेन जैसे फोर ब्रेन होता है, प्रोसेनसेफेलॉन, मीसेनसेफेलॉन, रोमनसेफेलॉन, तो उसी तरह ये मीसेनसेफेलॉन का भाग है ये पांचवा न्यूक्लियस, तो इसे कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो कि मिड ब्रेन में पाया जाता है। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो अब देखिए ये जो हमने पांच ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, जो राइट साइड में पांच ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी हो पाए जाते हैं, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। ओके, यानी एक ग्रुप राइट साइड में पाया जाता है, एक ग्रुप लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ये पांच ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम जोड़ दें, मिला दें, तो उसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो फोर इसमें बेस ऑफ द ब्रेन और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम में होते हैं, जो कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिकुलर न्यूक्लियस जिसमें पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस होता है, फिर
सबस्टेंशिया सबथैलेमिक न्यूक्लिया और सबस्टेंशिया नाइग्लिया। होप आपको क्लियर हो चुका है बेसल गैंग्लिया का लोकेशन और वो किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो बढ़ेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, तो वो टर्म्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस टॉपिक को फॉलो करें इन बिटवीन। तो एक टर्म है जिसका नाम है कॉर्पस स्ट्रिएटम। अब कॉर्पस स्ट्रिएटम किसे कहते हैं? आप अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस को मिला दें, कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस को मिला दें, लेंटिकुलर न्यूक्लियस क्या है? पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस। तो अगर मिला दें तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ क्या कहते हैं? कॉर्पस स्ट्रिएटम। ये कॉर्पस स्ट्रिएटम फिर से दो भाग में डिवाइड होते हैं, नियोस्ट्रिएटम और पेलियोस्ट्रिएटम। तो नियोस्ट्रिएटम यानी के कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन। अगर आप सिर्फ कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन यानी लेंटिकुलर न्यूक्लियस का जो सिर्फ ये बाहरी भाग है पुटामेन, उसको अगर आप लें कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन को, तो इसे कहते हैं नियोस्ट्रिएटम या सिंपली स्ट्रिएटम। नियोस्ट्रिएटम कहेंगे या सिर्फ स्ट्रिएटम। अब हम जो भी डिस्कशन किएंगे, अगर हम स्ट्रिएटम अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिएटम में इसका मतलब है कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन। ये जो ग्लोबस पैलिडस है इसे पेलियोस्ट्रिएटम भी कहते हैं। ओके, तो कॉर्पस स्ट्रिएटम कॉर्डेट न्यूक्लियस पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस, नियोस्ट्रिएटम कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन, और ग्लोबस पैलिडस पेलियोस्ट्रिएटम भी कहते हैं। ठीक है, और लेंटिकुलर न्यूक्लियस पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस को टुगेदर लेंटिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो ग्लोबस पैलिडस है, ग्लोबस पैलिडस जो है इसके फिर से दो भाग हैं। बाहरी भाग को कहते हैं ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस और अंदरूनी भाग को कहते हैं ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। ओके, ग्लोबस पैलिडस भी फिर दो भाग में डिवाइडेड है। उसी तरह ये जो मिड ब्रेन में जो न्यूक्लियस है सस्पेंशन नाइग्रा, इसके भी दो भाग हैं, पार्स कॉम्पैक्टा, सस्पेंशन नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, और सस्पेंशन नाइग्रा पार्स रेटिकुलारिस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसल गैंग्लिया क्या है अब समझ में आ चुका है। अब हम आते हैं इसके कनेक्शंस और फंक्शंस में। इसकी डीप जानकारी लेने से पहले मैं आपको एक रफ और एक बैकग्राउंड देता हूँ इसके फंक्शंस के ताल्लुक से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बेसल गैंग्लिया हेल्प करता है वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में, तो कैसे करता है? अभी मैं आपको एक लैटरल डायग्राम बता रहा हूँ ब्रेन का, ब्रेन और ब्रेन स्टेम का। तो ये समझिए सेरेब्रम है, फिर ब्रेन स्टेम है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो कैसे हमारी नर्वस सिस्टम से हमारे मसल तक कनेक्शन होता है? तो देखिए ये है सेंट्रल सल्कस। सो यहाँ पर जो है कुछ एरियाज पाए जाते हैं, जैसे कि सोमैटोसेंसरी एरिया होता है, फिर होता है प्राइमरी मोटर एरिया, और होता है प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक है, तो ये इसको मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं हम, ये सभी चीज़ों को, ये एरिया को जो कि कंट्रोल करता है हमारी बॉडीली मूवमेंट्स को। कैसे हमारी बॉडीली मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है? आपने पढ़ा होगा पिरामिडल ट्रैक्स या डिसेंडिंग ट्रैक्स। ठीक है, तो ये जो पिरामिडल ट्रैक्स या डिसेंडिंग ट्रैक्स यहाँ से ही ओरिजिनेट होते हैं, ये सब प्री मोटर एरिया सप्लीमेंट्री से होके फिर ये आते हैं मेडुला पे डिकोसिट करके 80% फाइबर अपोजिट जाके स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। इसको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी कहा जाता है। ये अपर मोटर न्यूरॉन है, फिर ये जो है कनेक्शन देते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन को, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन जो है कनेक्शन देता है आपके मसल्स को, और मसल्स को सिग्नल मिल जाता है यहाँ मोटर कॉर्टेक्स से कि अभी वही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, जो भी है सिग्नल यहाँ से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो कि अपर मोटर न्यूरॉन है, फिर वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन से मसल तक पहुँच जाता है। अभी अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसके लीजन्स के बारे में भी वीडियो बनाया, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया तो सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बेसल गैंग्लिया और सेरेबलम भी इन्वॉल्व है। सेरेबलम के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया कैसे इन्वॉल्व होता है अभी आपको बता दूं। देखिए जो भी अभी हमें मोटर एक्टिविटी करना है उसका पहले थॉट होता है, यानी अब मुझे हाथ उठाना है तो उसके पहले मेरे दिमाग में थॉट आएगा, तो वो थॉट आता है पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, प्री फ्रंटल एरिया में, फिर वो जो थॉट जो है जाता है कहाँ पर? आपके मोटर कॉर्टेक्स पे। मोटर कॉर्टेक्स में ये सब चीज़ें होती हैं, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, और इवन सोमैटोसेंसरी एरिया भी इसी का भाग होता है।
यहाँ पे इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। ये जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन फिर से आती है बेसल गैंग्लिया के पास, ओके। ये जो मैं रेड कलर में उतार रहा हूँ उसको समझ लीजिए बेसल गैंग्लिया है। तो बेसल गैंग्लिया में जो है इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि अभी भैया आपको हाथ उठाना है या कोई भी मोटर एक्टिविटी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माइंड में कि हाथ उठाना है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी बेसल गैंग्लिया जाएगी। तो बेसल गैंग्लिया क्या है, प्लान और प्रोग्राम करेगा कि अब ये मूवमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में फंक्शंस में, तो कैसे एग्जीक्यूट करना है वो डिसाइड करेगा। टाइमिंग एंड स्केलिंग ऑफ मूवमेंट, यानी कितना हाथ उठाना है, कितनी जल्दी उठाना है, वो सब डिसाइड करेगा। फिर डिसाइड करके इसका जो इनपुट है, इनपुट वो देगा थैलेमस को, थैलेमस को देगा, फिर से थैलेमस के जरिए सोमैटोसेंसरी एरिया या मोटर कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन जाएगा, फिर मोटर कॉर्टेक्स से डिसेंडिंग ट्रैक से मसल को इंफॉर्मेशन जाता है। यानी बेसल गैंग्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो डैमेज हो जाए तो आप ये जो नॉर्मल मोटर मूवमेंट्स करते हैं वो नहीं हो पाती है। तो वही चीज पार्किंसंस डिसीज में देखी जाती है, जो कि बीमारी है बेसल गैंग्लिया की, ओके। हम उसके बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे, अभी इतना याद रख लीजिए जनरल डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ चुके हैं आप बेसल गैंग्लिया क्या है। अब चलिए देखते हैं कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया, ये कैसे एग्जैक्टली कनेक्ट होता है मोटर कॉर्टेक्स को, यानी कि यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियाई आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं और मोटर कॉर्टेक्स में कैसे कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे अब तक, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी हमारा वीडियो बरकरार है। हम सभी वीडियोस को इंग्लिश में भी बनाते हैं और हिंदी में भी, और अभी इसका पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, तो उसमें अच्छे से डायग्राम हमने बनाए हैं, तो ताकि आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए हैं नोट्स, ताकि आपको एग्ज़ाम में रिविज़न करने को भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आप आराम से अपने एग्ज़ाम में भी ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आमतौर पे यूनिवर्सिटीज में, कि डिस्क्राइब दी कनेक्शन एंड फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया और ऐड ए नोट ऑन पार्किंसंस डिसीज, ओके। पार्किंसंस डिसीज अभी मैंने समझता कि ये वीडियो में हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा इसको, अभी हम कनेक्शंस और फंक्शंस की डिस्कस करने में, तो हम पार्किंसंस डिसीज को नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक के भाग में जो अभी हमने डिस्कस किया है 10 से 15 मिनट तक आपको समझ में आ चुका है कि बेसल गैंग्लिया क्या है। अब आते हैं कनेक्शंस पर। तो ये कनेक्शंस देखिए बेसिकली दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे यूजुअली एक्साइटेटरी पाथवे होता है, और एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है जो कि इनहिबिटरी होता है। इसके अलावा और एक एक पाथवे होता है जो कि नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बारे में भी अभी डिस्कशन ही कर लेते हैं, नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे। तो कनेक्शंस जो है हम ये तीन पाथवे के जरिए समझते हैं, मेनली है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे। कैसे, अभी देखिए, हाँ, तो मैं फिर से आपको लाइन डायग्राम बताऊंगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया का, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि मोटर कॉर्टेक्स, तो ये है कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब बेसल गैंग्लिया में कौन से 5 स्ट्रक्चर आते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर लेंटिकुलर न्यूक्लियस, तो लेंटिकुलर न्यूक्लियस में आता है पुटामेन और ग्लोबस पेलिडस। ग्लोबस पेलिडस में फिर से ग्लोबस पेलिडस इंटरनस, ग्लोबस पेलिडस एक्सटर्नस, ओके। ये है लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ओके, ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इधर हम थैलेमस को भी उतारते हैं, बाज लोग थैलेमस भी एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया का कहते हैं, लेकिन थियोरेटिकली हम बस 5 न्यूक्लियस कहेंगे, बाज लोग रेड न्यूक्लियस भी कहते हैं कि उसका हिस्सा है, ओके। तो अभी ये है थैलेमस, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, फिर यहां पर है सबस्टेंशिया नाइग्रा के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलारिस, ठीक है। तो देखिए कनेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, कॉर्टेक्स कॉर्डेट न्यूक्लियस लेंटिकुलर न्यूक्लियस में होता है, पुटामेन ग्लोबस पेलिडस सबथैलेमिक न्यूक्लियाई सबटेंशन आ गया, इसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं, ये थैलेमस। अब कनेक्शंस कैसे होते हैं वो देखिएगा,
ठीक है। तो पहले देखिए कॉर्टेक्स से यानी कि यहाँ से एक पाथवे स्टार्ट होते हैं फाइबर्स ग्रुप ऑफ एग्जॉन्स जो कि स्ट्रेटम में कनेक्शन करते हैं, कॉर्टिको स्ट्रेटल फाइबर्स भी कहते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है इधर ग्लूटामेट। अब हम ये डायरेक्ट पाथवे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ग्लूटामेट, ओके। तो यानी कॉर्टेक्स से स्ट्रेटम, आपको मैंने कहा स्ट्रेटम किसे कहते हैं, नियोस्ट्रेटम को, नियोस्ट्रेटम यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन, ओके। अगर आप कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन को अगर हम जोड़ दें तो इसे स्ट्रेटम कहते हैं। तो कॉर्टिको स्ट्रेटल प्रोजेक्शंस हो गया, इसका यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेटम यानी कॉर्डेट न्यूक्लियस से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस तक फाइबर्स जाते हैं जिसको स्ट्रेटो पैलाडल फाइबर्स कहते हैं, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर से गाबा और सब्सटेंस पी, मेनली गाबा और सब्सटेंस पी, ठीक है। फिर से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से यहाँ से भी एक प्रोजेक्शन फाइबर्स जाते हैं जो कि थैलेमस में जाएंगे, वेंटिरो एंटीरियर एंड वेंटिरो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ दी थैलेमस में ये जो जाते हैं, तो इसमें भी जो रिलीज होता है ये है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। फिर थैलेमस में वेंटिरो एंटीरियर और वेंटिरो लैटरल न्यूक्लियस से भी जो ओरिजिनेट होता है वो जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, इसको थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स कहते हैं, और ये भी होता है ग्लूटामेट। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होगा ग्लूटामेट। तो इस पाथवे को जो कॉर्टेक्स से शुरू होकर फिर से कॉर्टेक्स पे खत्म हो गया और बीच में या बेसल गैंग्लिया के कुछ न्यूक्लियाई आए, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट पाथवे और डायरेक्ट कनेक्शंस, ठीक है। तो डायरेक्ट पाथवे एक्साइटेटरी पाथवे होता है, यानी कि ये पाथवे हमें मोटार एक्टिविटी, यानी जैसे मैंने आपको बताया कोई भी मोटार वॉलेंट्री मोटार मूवमेंट्स करने हैं आपको मसल्स की, तो ये डायरेक्ट पाथवे हेल्प करता है। अगर ये डायरेक्ट पाथवे इनहिबिट हो जाए तो मूवमेंट्स जो है हाइपोकाइनेसिया कहते हैं, एकाइनेसिया यानी मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्ट पाथवे में अगर कुछ मसला हो जाए तो, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, अगर मूवमेंट्स का जब इनिशिएशन होता है यानी कि प्री मोटर कॉर्टेक्स को अगर सिग्नल, जो मोटर कॉर्टेक्स को अगर सिग्नल पहुंच गया कि अभी हमें मूवमेंट करनी है, तो बेसल गैंग्लिया को इन्फॉर्मेशन देता है किससे, कॉर्टिकोस्ट्रिएट फाइबर से। तो यहाँ पे इस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में जो है एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है कॉर्टिकोस्ट्रिएटल फाइबर्स में, ठीक है। फिर ये कॉर्टिकोस्ट्रिएटल फाइबर्स जो रिलीज करते हैं ग्लूटामेट, ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ के जो साइनाप्स पे, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि नेक्स्ट पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन को वो ज़्यादा इंपल्स देंगे। तो ये जो प्रोजेक्शंस है जो स्ट्रेटम से जो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस तक जा रहे हैं, तो इसमें भी एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसमें भी एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स है जो स्ट्रेटम से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस तक जाते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो यहाँ पे गाबा रिलीज होता है ज़्यादा। तो गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है पोस्ट सैनाप्टिक मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेगा, तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल कम जाएगा, यानी कि ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से थैलेमस तक इम्पल्स कम जाएंगे। अब जब यहाँ पे कम जाएंगे, ये भी एक गाबार्जिक न्यूरॉन है, तो यहाँ पे गाबा की मात्रा कम होगी, तो गाबा की मात्रा जब कम होगी वो कि इनहिबिट करता है नेक्स्ट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से, तो ये इसका इनहिबिशन खत्म हो जाएगा और ये ज़्यादा इम्पल्स पहुँचेंगे क्योंकि इनहिबिशन कम होने की वजह से, ठीक है। यूजुअली ये हाइपर पोलराइज करेगा, यूजुअली गाबा कैसे करता है देखिए, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन मान लीजिए इस पे, तो उस पे वहाँ पे गाबा के रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो होते हैं कपल्ड विथ आयोन चैनल्स, तो आयोन चैनल्स होते हैं मेनली कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम के, तो गाबा जब आके बाइंड होता है अपने रिसेप्टर पे तो क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं और क्लोराइड जो है सेल के अंदर घुस जाता है और पोटेशियम जो है सेल के बाहर चला जाता है। तो जब क्लोराइड अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाए तो सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिससे आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम होकर इसे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि कैसे गाबा जो है इनहिबिट करता है नेक्स्ट इसको। तो देखिए आप देखिए यहाँ से स्टिमुलेट हुआ और बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लिया के जरिए थैलेमस पे गया, फिर थैलेमस से जो है ग्लूटामेट पे गया, तो इस पाथवे को कहते हैं डायरेक्ट पाथवे जो कि एक्साइटेटरी पाथवे है
ठीक है, पार्किंसन डिजीज में ये पाथवे अफेक्ट हो जाता है जिससे कि मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, जिसे हाइपोकाइनेसिया एकाइनेसिया कहते हैं। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट पाथवे पे। इनडायरेक्ट पाथवे भी सिमिलर टाइप का पाथवे है, मैं यहीं पे भी उतार दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे नोट्स में हमने अलग से बताया है बट आपको मैं इस डायग्राम में यहीं पे बता देता हूं। इनडायरेक्ट पाथवे में देखिए इसी तरह कॉर्टिकोस्ट्रिएटल फाइबर्स यानी कि कॉर्टेक्स से स्ट्रेटम पे आएगा, फिर से न्यूरोट्रांसमीटर होगा ग्लूटामेट, फिर उसके बाद स्ट्रेटम से यहाँ पे ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्न इंटरनस पे गया था, यहाँ पे ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस तक जाएगा पाथवे, ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस तक जाएगा। फिर ये भी जो है गाबार्जिक है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होगा गाबा और एनकफलिन, यहाँ पे जो डायरेक्ट पाथवे में था गाबा और सब्सटेंस पी, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से गाबार्जिक न्यूरॉन जो है सबथलामिक न्यूक्लियाई को जाएगा, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहाँ पे गाबा, ठीक है, ये पाथवे में भी, यानी ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस से सबथलामिक न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर सबथलामिक न्यूक्लियस से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को एक पाथवे जाएगी जो कि ग्लूटामिनर्जिक होगी, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, जो कि मैं ब्लू लाइन से बता रहा हूँ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो रेड लाइन से जो मैं बता रहा हूँ वो इनहिबिटरी यानी गाबा रिलीज करता है। फिर यहाँ से सेम उसी तरह होगी डायरेक्ट पाथवे की जगह, तो फिर यहाँ से गाबार्जिक फाइबर्स थैलेमस को जाएंगे, वेंट्रो एंटीरियर या वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस, फिर यहाँ से फिर से ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स कॉर्टेक्स पे जाएंगे। तो इनडायरेक्ट पाथवे में डिफरेंस क्या है, यहाँ से ग्लोबस पैलिडस से सबथैलेमिक न्यूक्लियस से होते हुए ट्रैक जाएगा, ठीक है। अभी ये एक्साइटेटरी पाथवे था, ये इनहिबिटरी पाथवे है, तो इनहिबिटरी पाथवे कैसे होगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब आप कॉर्टेक्स से ये जो फाइबर्स जाते हैं यहाँ पे जो सिग्नल जाता है यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे पुटामेन तक लेंटिकुलर न्यूक्लियस के, ठीक है, और कॉर्डेट न्यूक्लियस तक। फिर उसके बाद जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से जो फाइबर्स आ रहे हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से जो फाइबर्स आ रहे हैं जो कि सिर्फ यहाँ तक आते हैं, कहाँ तक, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस तक, ठीक है, वो गाबार्जिक फाइबर्स होते हैं, लेकिन ये जो सिग्नल तो ग्लूटामेट यहाँ पे रिलीज होगा तो इस न्यूरॉन्स में तो एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर गाबा की मात्रा ज़्यादा है यानी कि इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस रहेंगे, तो यहाँ के जो नेक्स्ट न्यूरॉन्स में जो है इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होगा और एक्शन पोटेंशियल कम जाएगा। फिर जैसे यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर गाबा क्योंकि इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस था इस पाथवे में तो यहाँ पे गाबा कम रिलीज होगा, कम रिलीज होगा तो कम इनहिबिशन होगा यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा न्यूरो एक्शन पोटेंशियल जाएंगे क्योंकि गाबा जो है इनहिबिट करता है, जब गाबा की मात्रा कम हो जाएगी तो उसका इनहिबिशन चला जाएगा और इसमें ज़्यादा स्टिमुलस जाएगा। जब ज़्यादा स्टिमुलस इधर जाएगा ग्लूटामेट ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो फिर जो नेक्स्ट फाइबर्स हैं इसमें इंक्रीज हो जाएगा, इसमें एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। फिर लेकिन यहाँ पे फिर से ये गाबा है तो गाबा जब ज़्यादा रिलीज होता है तो अल्टीमेटली ये लास्ट फाइबर्स को ये इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस देगा यानी डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ये इनहिबिट कर देगा। तो देखिए जो कॉर्टेक्स को जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस जा रहा है इनडायरेक्ट पाथवे में। तो कोई भी मोटर एक्टिविटी में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे की जरूरत होती है क्योंकि एग्जांपल जैसे आपको एल्बो जॉइंट पे कोई मूवमेंट करना है तो एक जगह फ्लेक्शन होगा एक जगह एक्सटेंशन यानी रिलैक्सेशन होगा। तो जैसे बाइसेप्स में अगर फ्लेक्शन हो गया तो यहाँ पे ये रिलैक्स होगा ट्राइसेप्स, तो जो उसको रिलैक्स करने के लिए इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा इनडायरेक्ट पाथवे से, डायरेक्ट पाथवे से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जाएगा, ठीक है। फिर है नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे, सर नाम इंडिकेट होता है नाइग्रो यानी सब्सटेंशन नाइग्रा, तो पार्स कॉम्पैक्टा से यहाँ से पाथवे जाता है स्ट्रिएटम को, स्ट्रिएटम यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन पू, तो डायरेक्ट पाथवे पे भी कनेक्शन होता है तो डायरेक्ट पाथवे पे होता है D1 रिसेप्टर्स और इनडायरेक्ट पाथवे पर भी होता है वाया D2 रिसेप्टर्स, तो इसको कहते हैं नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे, जैसे कि नाम ही पता लगा रहा है नाइग्रा यानी कि सस्पेंशन नाइग्रोस्ट्रिएटल, स्ट्रिएटम मींस कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए डायरेक्ट पाथवे पे ये जो इसमें ये डोपामिनर्जिक यहाँ पे डोपामिन होगा न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं इसे, तो इन डायरेक्ट पाथवे पे D1 रिसेप्टर के थ्रू ये एक्ट करेगा, इनडायरेक्ट पाथवे में D2 रिसेप्टर के जरिए ये एक्ट करेगा, ठीक है।
तो डायरेक्ट पाथवे को ये स्टिमुलेट करेगा और इनडायरेक्ट पाथवे को ये इनहिबिट करेगा। तो D1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेटरी होते हैं और D2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी होते हैं इनडायरेक्ट पाथवे को, ठीक है। तो पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। ये जो पार्स कॉम्पैक्टा में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं सस्पेंशन नाइग्रा के, जो पार्स कॉम्पैक्टा में ये न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं, तो इस वजह से यह सिग्नल कम पहुंचता है, तो कम स्टिमुलेशन होता है डायरेक्ट पाथवे का, तो इसलिए हाइपोकाइनेसिया होता है। और इनडायरेक्ट पाथवे में इनहिबिशन होता है तो अब नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। तो अगर डिसऑर्डर अगर डायरेक्ट पाथवे का है तो पार्किंसन डिसीज, इनडायरेक्ट पाथवे का एक डिसीज है बेसल गैंग्लिया का, जिसे हंटिंगटन डिसीज या कोरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, ये काम करता है वॉलंटरी मोटार एक्टिविटी। जो भी हमारी मोटार एक्टिविटी है, जैसे हम चल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, जो भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं मोटार एक्टिविटी, मसल्स के, जॉइंट्स के, पोस्चर मेंटेन करने के, ये बेसल गैंग्लिया की वजह से होता है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है। ये फॉर एग्जांपल कोई भी मोटार एक्टिविटी हो, जैसे हाथ उठा रहे हैं, तो हाथ उठाने से पहले ही बेसल गैंग्लिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नजर आ जाती है। कोई हम अगर कोई हम रिसर्च करें या टेस्ट करें किसी इंसान पर या एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे, तो बेसल गैंग्लिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मोटर एक्टिविटी होने से पहले ही नजर आती है। तो उसे कॉग्निटिव मूवमेंट्स यानी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट्स में बेसल गैंग्लिया मदद करता है। और एक क्या है, टाइमिंग एंड स्केलिंग द इंटेंसिटी। टाइमिंग यानी कितनी जल्दी कोई मूवमेंट करना है, या स्केलिंग द इंटेंसिटी यानी कितनी दूर तक कोई मूवमेंट को करना है, कि इतना ही मूवमेंट करना है या इतना करना है, जो भी है टाइमिंग एंड स्केलिंग ऑफ इंटेंसिटी। और सबकॉन्शियस वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे कि अब हम चलते वक्त जो है अपने हाथ को ऐसे स्विंग करते हैं, इससे हमें पता ही नहीं चलता, तो सबकॉन्शियस मूवमेंट्स के लिए भी बेसल गैंग्लिया हेल्प करता है। और उदाहरण दे दूं या एग्जांपल दे दूं आपको, मिसाल के तौर पर आप जैसे कार चलाते हो या फोर व्हीलर चलाते हो, तो पैर में जो है ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है और क्लच भी होता है। तो आप ड्राइविंग करते करते आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप प्रेस करते रहते हो जब भी आपको जरूरत है, यानी आपका बेसल गैंग्लिया प्रोग्राम्ड हो चुका है वो फंक्शन के लिए, वो सबकॉन्शियसली करता है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये जैसे स्विमिंग भी जो करते हैं, तो स्विमिंग में भी जो पैर या हाथ जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो भी सबकॉन्शियसली होते हैं एक बार ट्रेंड होने के बाद। तो ये सब चीज़ें बेसल गैंग्लिया करता है। बेसल गैंग्लिया रिफ्लेक्स एक्टिविटी में भी हेल्प करता है, जो कि स्पाइनल इसको बहुत से इनहिबिट करता है, और मसल टोन मेंटेन करता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है। इसी वजह से अगर उसका लीजन से डैमेज हो जाए तो इन पार्किंसन डिसीज में लेड पाइप रिजिडिटी दिखती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्किंसन डिसीज में क्यों होता है ये सभी चीजें। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन एरोजल मैकेनिज्म। तो ग्लोबस पैलिडस, रेड न्यूक्लियस जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन से क्लोजली एसोसिएटेड होता है। अगर लीजन्स हो जाए या डैमेज हो जाए बेसल गैंग्लिया, तो वो ड्रॉजीनेस या स्लीप भी होती है। तो ये कुछ फंक्शंस थे बेसल गैंग्लिया के, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हम नेक्स्ट वीडियो में पार्किंसन डिसीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, और कुछ और भी दूसरे डिसऑर्डर्स है बेसल गैंग्लिया के बारे में हम पढ़ेंगे। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं, और हमारा PDF जो बेसल गैंग्लिया की जो नोट्स है टेलीग्राम लिंक पर है, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, आपको नज़र आ जाएगा टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके नोट्स। तो हम तभी MBBS के सभी सब्जेक्ट्स पे हम बना रहे हैं, धीरे धीरे पूरे वीडियोस बना रहे हैं। अभी बेसिकली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बना रहे हैं, उसके बाद तकरीबन उसको कोरिलेट करेंगे। अभी ये जो इंटरनल मेडिसिन का जो पार्किंसन डिसीज़ है, फिर फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स होते हैं पार्किंसन डिसीज़ में, उसका भी हम वीडियो बना रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस। तो सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको और नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी या नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।